चलना खुद ही को पड़ता है, लोग सिर्फ रास्ते दिखा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सुबह सुबह की कॉफ़ी, इस फ्रेश फ्रेश कॉफ़ी के साथ आप लोगों को फ्रेश फ्रेश गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाए ना मुझे तो बस दिन बन जाता है मेरा पूरा। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बैठा हूँ अपनी बालकनी में। ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स हैं और ये कुछ नीचे का, नीचे बच्चे खेलते रहते हैं। और इसे कोविड से पहले ना तो बच्चे लोग एकदम रात के 12-12 1-1 बजे तक खेलते रहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाए ना बस अपना तो दिन खल्लास बन जाता है। और गाइस मेरी एक वीडियो अच्छी खासी चली है, उस पर अच्छे खासे लोगों के कमेंट भी आए, मुझे पर्सनल में मैसेज भी आए। वो आपने नहीं भी देखी है तो मैं उस वीडियो को एंड में दे दूंगा, वो देख लेना। वो है मुंबई में रूम रेंट के बारे में, तो रूम रेंट के बारे में है तो लोग वहाँ पे पूछ रहे हैं एक्स वाई ज़ेड कोई भी प्लेस है तो वहाँ पे बोल रहे हैं उसके पास में कितने का मिलेगा, उसके पास में कितने मिलेगा। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई बहुत बड़ी है, मुंबई छोटी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एरिया का सब कुछ बताना। एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है आप लोगों को, चलना खुद ही को पड़ता है, लोग सिर्फ रास्ते दिखा सकते हैं। गाइस इस समय बज रहे हैं 1 और अभी हमारा खाना बनाने का टाइम है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई हैं परांठे बनाने में। अपन तो खाने वाला है नहीं है क्योंकि अपन डाइटिंग पे चल। अपने लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ तैयार की है, वो भी फुल देसी वाली, क्योंकि मुझे ना गाँव बहुत पसंद है मेरा। दिखाऊंगा कि मैं क्या खाने वाला हूँ आज लंच में। तो गाइस यहाँ पराठे सिक रहे हैं, तो आज आलू के पराठे घर में खाएंगे सभी लोग, और घर में दो मेंबर नहीं खाएंगे, एक पापा और एक मैं। मैं डाइटिंग पर हूँ और पापा खाते नहीं हैं। तीन नहीं खाएंगे। तीन कौन? तीन हाँ मेंबर है पर वो खाती कहाँ अभी खाना का। तो तीन लोग नहीं खाएंगे, एक मेरी बेटी जो छोटी है अभी 8 महीने की। तो हम सबकी हाँ, तो मैंने पहले बताया था कि मेरा तो फुल देसी खाना है आज, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देसी खाना क्या है। खाना वो है हमारा ये रोटी और ये गाजर का रायता, गाजर का रायता और ये सादा रोटी। तो ये अपना देसी खाना, ये मतलब गांव में मिल जाए ना तो बस दिन बन जाता है। हर दूसरे दिन मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे चश्मा लग जाएगा। ख्याल से ना लगे तो अच्छा है यार, बाकी इतना खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाएगा चश्मा लगा कर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने की,